अहम श्री के वचनामृत कैसेट नंबर 2 बोल्ड नंबर 2 और 5 तारीख 3/11/99 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन सिंह का वचनामृत नमृत नंबर 2 इसके बीच में आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग मिले नहीं, ऐसा कभी भी बनता नहीं है। रास्ता नहीं मिलता है, समझ नहीं आता है, एक ही वजह है आत्मलग्नि सच्ची नहीं। और सच्ची नहीं है इसका मतलब कि जीव धोखे में आ गया है। उसको लगता है मैं इतना त्याग करता हूँ या इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, इतनी पूजा भक्ति करता हूँ, इस मार्ग पे पूरा विश्वास है तो मेरी लगन सच्ची होगी, ऐसा उसको लग जाता है। जो थोड़ा बहुत प्रयत्न करता है उसको सही प्रयत्न है कि नहीं वही पता नहीं, इसलिए धोखे में रहता है। बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो समझ में आ जाता है कि हम मेहनत ही नहीं कर रहे। और सच्ची लगन होती है उसका भी सवाल नहीं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं और इसमें गलती है तो पता लगना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं होगा तो मालूम पड़ ही जाएगा कि हम मेहनत ही नहीं कर रहे तो कहाँ से होगा, हम अवलोकन करते नहीं है, वेद ज्ञान करते नहीं है तो कहाँ से होगा, वो तो पता चल जाता है। मेहनत करता और सच्ची लगन नहीं होती तो हाँ वो ढूंढना है, तो रिजल्ट पर से मालूम पड़ता है क्या मेहनत करते करते भी पहले से अच्छा हो जाने पर भी लगन सच्ची है, जरूरी नहीं है सच्ची हो। कसाय तो द्रव्य जी के भी कम हो गए हैं, ज्ञान तो उसका भी बढ़ गया है, समझ तो पूरी आ गई है, बुद्धि से भी इतनी समझ होती है कि 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ ले रहे। और कसाई इतने मंद होते हैं कि कोई चमड़ी उतारे और नमक मिर्ची डाले तो भी शांत रहे, बिल्कुल मन में भी द्वेष न करे, इतना कसाय शांत हो सकता है, फिर भी आत्मज्ञान नहीं होवे, ऐसा भी है। कैसे पता चलेगा, पता कैसे चले कि हम सही है कि गलत है, हम ज्ञान की आराधना कर रहे हैं कि बुद्धि से चल रहे हैं, मन का आधार ले रहे हैं कि मन का आधार छोड़ करके केवल ज्ञान का आधार ले रहे हैं, हम हमारी जो कोशिश है वो सच्ची लगन वाली है कि लगन में खोट है और कोशिश हो रही है, पता कैसे चले। ये बात मूल है, जैसे कहीं एक गांव से दूसरे गांव जाना है और निकल पड़ा जीव और 4 रास्ते पे आया तो सही रास्ता नहीं पकड़ा और उल्टा रास्ता पकड़ लिया, ठीक है वो भी लेंगे, नसीब वाली बात भी लेंगे, तो जो सही रास्ता छोड़ करके उल्टे रास्ते पे चला तो मेहनत तो वो भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रुक गया है कि चलता नहीं है, परिश्रम नहीं करता है, फिर भी रास्ता भटक गया है तो पहुंचता नहीं किधर भी, सही जगह पे नहीं पहुंचता है। और उसको लगता है कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, 1 घंटे का रास्ता है या 2-10 घंटे का रास्ता है तो मिल जाएगा, चल तो रहा हो, अभी तो 1/2 घंटा ही हुआ है, अभी 9.5 घंटे बाकी है, ऐसा करते करते लेकिन पहुंचता नहीं है, तो मेहनत कर रहा है लेकिन वो सही लगन वाली मेहनत है कि झूठी लगन वाली मेहनत है, वो कैसे पता चले। कि सही लगन वाली होता है तो ज्ञान में इतनी निर्मलता इतनी जल्दी आती है इसके अंदर,
कि उसको सही झूठ का पता लग जाता है, क्योंकि सच्ची लगन वाले का नजर कहाँ रहती है, सच्ची लगन वाले की नजर। दूसरा क्या करता है, वो सही चलता है कि गलत चलता है उस पर नहीं, वो अंधविश्वास भी नहीं है कि सदगुरु जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बात है मान लो, नहीं। जब तक प्रयोग नहीं करेगा, खुद को नहीं लगेगा ठीक, तब तक नहीं माने, तो अंधविश्वास भी नहीं है। सच्ची लगन वाला ऐसा होता है, सच्ची लगन वाला मेहनत करता है तो सिर्फ बुद्धि में नहीं बिठाता है, प्रयोग करता है। और सच्ची लगन वाले को सही झूठ की पहचान अपने आप हो जाती है, क्योंकि वो उसका अंतकरण शुद्ध है। अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान भी मलिन है, मलिन नहीं है, निर्मल है, तो निर्मल ज्ञान में पता लग जाता है। पैर में कांटा चुभे तो अनपढ़ को ही पता चलता है कि दुख हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात दुख सुख की है, ज्ञान अज्ञान की नहीं है, दुख सुख की बात है। और दुख और सुख अनुभव का विषय है, ज्ञान कम ज्यादा हो वो अनुभव का विषय नहीं है। अब कितना भी जानो, पूरी दुनिया जान लो तो भी अधूरे रहो, केवल ज्ञान के सामने आपका ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। गंधर्व देव 12 अंक को जानते हैं क्या, लेकिन केवल ज्ञान के सामने उनका ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। सारी दुनिया का ज्ञान है उनके पास, 4 ज्ञान के धनी है, लेकिन कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ है ज्ञान, मैची नहीं खावे। 12 अंक का ज्ञान भी कुछ नहीं है, कहाँ कसा है, अत्यंत मंद हो गया हो, इतना मंद हो गया हो कि पता भी न चले, कसाय नाम की चीज न लिखे, न क्रोध न मान न माया न लोभ, मालूम ही नहीं पड़े, लेकिन कहाँ वितरागता और कहाँ कसाय का बारीक अंश, जमीन आसमान का फर्क है। वितरागता अलग चीज है और मंद कसाय अलग चीज, बहुत बड़ा फर्क रहता है। ये सब ज्ञान, ज्ञान की निर्मलता में आता है। आत्म भावना भावे, सच्ची भावना भावे, तो उसका अंदर का आत्मा ही उसको सही जवाब दे देता है और सुख दुख की पहचान उसको हो जाती है। हमारी सच्ची लगन है तो चाहे जैसी वाली स्थिति में भी हम दुखी नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे, प्रसंग आएंगे तो हम निरुत्साही नहीं हो जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ हम रास्ता निकाल लेते हैं। ज्ञाता भाव पना हमारा चालू रहता है, हमारा पुरुषार्थ चालू रहता है। अनुकूल परिस्थिति है तो पुरुषार्थ रहे, और अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूलता है तो फिर पुरुषार्थ बंद हो जाए, ऐसा सच्ची लगन वाले का नहीं होता है। सच्ची लगन वाले को पता चल ही जाता है, आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न मिले ऐसा बनता ही नहीं। और सच्ची लगन वाले का नसीब भी अगर खोटा है तो भी वो सही हो जाता है। भूतकाल में कर्म किए हैं तो अंतराय आती है, प्रतिकूलता आती है, लेकिन सच्ची लगन है तो उसका अंतर आत्मा जो है वही इसका मार्ग कर देता है। अंदर में परमात्मा देवाधिदेव स्वयं है, बस उसकी सच्ची लगन, सच्ची चाह, मतलब संसार में कहीं भी सुख बुद्धि न हो, पर आत्मा भले ही नहीं देखा है लेकिन सुख तो वहाँ ही है, ऐसा ज्ञानी के वचन पर पूर्ण विश्वास, वो भटकता नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सच्ची लगन वाला स्वयं के दोष देखता है, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक वो मंजिल पे नहीं पहुंचता है तब तक उसको ये लगता है कि मेरे पुरुषार्थ में कहीं कमी है, मेरे मेहनत में कहीं कमी है, कहीं गलती जरूर है, गलती नहीं होती तो जरूर मैं पहुंच जाता। ब्लैंकनेस भी आवे, विकल्प सारे खत्म हो जाए, उदासीनता जबरदस्त आवे, फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं हो गए तो वो ऐसा समझेगा कि मेरे में अभी भी कुछ कमी रह गई है। और स्वयं के दोष देखने का निरंतर उसकी जागृति रहती है, उसका पुरुषार्थ वहां चालू रहता है, उसका नाम सच्ची लगन। सच्ची लगन वाले का सबसे बड़ा गुण है कि वो अपने ही दोष देखता है और पर के गुण देखता है, पर के दोष कभी भी नहीं देखता है। ऐसी दृष्टि वाला जीव, ऐसी सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न मिले, ऐसा कभी बनता ही नहीं है। आगे कहेंगे 21 नंबर में कि चैतन्य में से निकली हुई भावना 100% सक्सेस होती है, अगर वो सफल नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। भावना का इतना बड़ा महत्व पूज्य बेंसी के वचनामृत में आया है, हर वक्त भावना 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 कहेंगे।
वो समय दर्शन के ऊपर जोर नहीं, समय सुन तो पीछे पीछे आ जाता है। अरे केवल ज्ञान आ जाता है, आत्म भावना भावता निवलय केवल ज्ञान है, उसको क्या करोगे आप? भावना नहीं है तो कुछ भी करो बेकार है, भावना है थोड़ा भी करोगे तो उसका फल आएगा। आत्मा की लगनी लगनी चाहिए, दिन रात उसके पीछे लगना चाहिए। पीछे लगना चाहिए मतलब क्या कि जीव का उपयोग कोई खाली तो नहीं, और जीव की प्रवृत्ति नहीं बदलती ऐसा भी नहीं, परिणाम तो चल ही रहे हैं, पुरुषार्थ तो हो ही रहा है। और उल्टा चल रहा है कि सुल्टा चल रहा है? अगर उल्टा चल रहा है तो आत्मा केंद्र बिंदु में नहीं है, आत्म शांति का लक्ष्य नहीं है, तो फिर वो उसका जो भी किया सब उल्टा है। वो शास्त्र पढ़े तो भी उल्टा है क्योंकि आत्म शांति का ध्येय नहीं। वो पूजा भक्ति करे तो भी वेस्ट है, वो पंचमावत पाले तो भी वेस्ट है, सब वेस्ट है, उसका सब निरर्थक है। और आत्म शांति इसके पीछे बेज है तो उल्टा पुरुषार्थ है। तो उल्टा पुरुषार्थ करना मतलब क्या कि हमारे मन वचन काया में केंद्र बिंदु में आत्म शांति होनी चाहिए। रुपया पैसा सत्ता अधिकार संयोग की अनुकूलता ये सब नहीं होना चाहिए। अपने आप को टाटोल लेने का, हमको क्या चाहिए? आत्म शांति चाहिए तो उसके लिए सारी जिंदगी सारा जगत अपने प्राण भी कुर्बान है उसके लिए। अगर आत्म शांति चाहिए तो मरना भी चाहता हूँ, अरे नरक में भी जाना चाहता हूँ। कृपा वीडियो को ऐसा ही आया था, 85 नंबर में लिखा है उन्होंने, मुझे 7वीं नरक में भेज दो तो मैं तैयार हूँ जाने के लिए। 7वीं तम तम प्रभा नरक की वेदना मैं सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन ये जगत की मोहिनी अब मुझे सम्मत नहीं है, अब मैं उसको रखना नहीं चाहता, उसका नाश करना चाहता हूँ। अंश मात्र भी मुझे मोह नहीं रहना है। पदार्थ नहीं कहते हैं मेरे से मोह करो, मैं ही उल्टा चल के मोह करता हूँ। वो मेरी जो गलती है और दुखदाई है वो मुझे नहीं चाहिए। पदार्थ शरीर नहीं बोलता है कि मुझे स्नान करा, पेट नहीं बोलता है कि मैं भूखा हूँ खाना खिलाओ, ये जीव स्वयं मोह करके ये काम करता है। तो ये मोह के कारण से मेरा उपयोग पूरा बाहर चले जाता है और आत्मा साइड पे रह जाता है। आत्म कल्याण के लिए सुंदर अवसर मिला है मनुष्य भाव, सच्चे वितरागी देव गुरु शास्त्र, लेकिन मेरा पुरुषार्थ उल्टा होने के कारण, मेरी नजर आत्म शांति नहीं ऊपर नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसीलिए मैं उल्टा का उल्टा उल्टा का उल्टा चलता हूँ। थोड़े कुछ लोगों को आगे बढ़ा देखता हूँ तो अपने को भी लालच हो जाती है, मैं भी बनूँ ऐसा प्रयत्न करूँ, और परिणाम बिगड़ जाता है। आप संग किसका करते हो? जिसको संसार के भोग विलास चाहिए, संयोग की अनुकूलता चाहिए, उनका संग करते हो, तो जिसको आत्म शांति चाहिए उनका संग करते हो, इस पर से भी आपका माप निकलता है। जिसको जो चाहिए वो उसका संग करता है। देवगुरु शास्त्र का संग कौन करेगा? जिसको आत्मा चाहिए वो करेगा। और संसारी लोगों का संग कौन करेगा? जिसको आत्मा नहीं चाहिए, आत्म शांति का लक्ष्य नहीं है, वो संसारी लोगों का लक्ष्य करेगा। उसकी संगत उसकी सोबत उनके जैसा उनको राजी रखेगा। और जिसको आत्मा चाहिए आत्म शांति चाहिए वो सदगुरु को राजी रखेगा। सदगुरु बोले ऐसा करना क्योंकि मुझे आत्म शांति चाहिए। बस दो ही रास्ते हैं, एक डूबने का रास्ता है एक तिरने का रास्ता है। आत्मा की लगनी लगनी चाहिए, इसके पीछे लगना चाहिए मतलब पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, अभी संसार का प्रेम है तो संसार का पुरुषार्थ चल रहा है। अब इसके आत्मा के पीछे कैसे लगे? आत्म शांति का ध्येय बना लो, फिर आत्मा का पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। संयोगों की चाहना छोड़ दो, इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात आज 20 नंबर के बोल में भी है वो आगे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक आत्म शांति चाहिए और कुछ नहीं। सच्ची लगन वाले के ऐसे भाव होते हैं, आत्मा को ध्येय रूप रख करके। आत्मा तो देखा नहीं है लेकिन अशांति नहीं चाहिए, और शांति चाहिए। जिसको शांति चाहिए उसने क्या बनाया है? आत्मा को ध्येय में रखा है। कैसे आगे बढ़ेगा? आत्मा को देखा नहीं तो आत्मा को ध्येय कैसे बनाएगा? नहीं, आत्मा को बड़े ही नहीं देखा है,
लेकिन उसको शांति चाहिए और अशांति नहीं चाहिए। इसका मतलब कि वो आत्मा को ही ध्येय बनाया है उसने। जिसको शांति चाहिए उसने आत्मा चाहिए ऐसा निर्णय कर लिया, क्योंकि शांति चाहिए कहो या आत्मा चाहिए कहो या अशांति नहीं चाहिए ऐसा कहो, सब एक अर्थ है। भाषा में फर्क है लेकिन बात एक ही है। क्यों? कि शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ है? आत्मा में है। इसलिए शांति चाहिए, इसका मतलब आत्मा चाहिए। आत्मा को ध्येय रूप रख करके दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। क्या? आत्मा को ध्येय में रख करके, मतलब आत्मा शांति को ध्येय बना करके। जीवन का लक्ष्य, रुपया नहीं मिलेगा चलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी चलेगा, शरीर रोगी होगा निरोगी नहीं रहेगा चलेगा, किसी का साथ नहीं मिले मैं अकेला पड़ जाऊं चलेगा, लेकिन आत्मा शांति नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगी। और कृपावडे का 949 नंबर पत्र, लोक संगना जिस जिंदगी का ध्रुव कांटा है, ध्येय है, वो जिंदगी चाहे श्रीमंत हो, कुटुंब परिवार के योग वाली हो, सत्ता अधिकार वाली हो, तो भी अनंत दुख का स्थान है। और आत्मा शांति जिस जिंदगी का ध्रुव कांटा है, ध्येय में है, आत्मा शांति चाहिए। आत्मा शांति जिस जिंदगी का ध्रुव कांटा है, वो जिंदगी चाहे एकाकी हो, निर्धन हो, निर्वस्त्र हो, क्या, तो भी परम समाधि का स्थान है। श्रीमदाचंद्र के वचन है। तो आत्मा को देह रूप रख करके, आत्मा शांति का टारगेट रख करके, इसके सामने सारी दुनिया मिले नहीं चाहिए। हम बोले ऐसा करो, 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, नहीं चाहिए, आपके पास रखो। मेरी आत्मा की शांति से बढ़ के कोई नहीं। रुपया पैसा धन दौलत इज्जत आबरू मुझे नीलाम कर देना है, सब कुर्बान है। एक आत्मा के पीछे सब कुर्बान है। ये बलि चढ़ाने को बोलते हैं ना, प्रसन्न करो। किसको प्रसन्न करो? बलि किसकी चढ़ाओगे? कुरान में भी है, जो अपने को सबसे अच्छा पसंद है, प्रिय है, उसको सुपुर्द कर दो, ईश्वर के हवाले कर दो, बलि चढ़ा दो उसको। बलि माने क्या? आज तक हमको संयोगों में प्रेम था, धन दौलत में प्रेम था, इज्जत आबरू में प्रेम था, संसार की अनुकूलता चाहती थी, सबकी बलि चढ़ा दी। किसको प्रसन्न करने के लिए? कौन है देव? ये अपना आत्मा है जो अनंत काल से दर्शन नहीं दे रहा है। अपना आत्मा नाराज हो गया है, कितना भी पूजा भक्ति करो वो दर्शन नहीं देता है, उपवास करो भूखे रह जाओ दर्शन नहीं देता है, सारे शास्त्र पढ़ लो दर्शन नहीं देता है, पूरे जगत में तीर्थ यात्राएं कर लो दर्शन नहीं देगा, चाहे जितनी मानता बाधा तावीज बना लो मंत्र तंत्र कर लो, वो दर्शन देने वाला नहीं है। ये हमारा आत्मा नाराज हो गया है। एक ही कारण, नाराज होने का क्या कारण है? एक ही कारण है। नाराज होने का क्या कारण है? इतना इतना प्रयत्न करते हैं, पंचमावत पढ़े, हजारों रानियों को छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, नग्न दिगंबर होकर के जंगल में चले गए, भगवान ने कहे वैसा ही आचरण किया, क्या इसमें अंश मात्र भी दोष नहीं लगाया, पूरा ध्यान रखा, शुक्ल लेसा के परिणाम किए, इसमें क्रोध मान माया लोग तो इतना मंद के दिखे ही नहीं, अंध भी नहीं आवे उसके। उसके फल में नवमी ग्रह में गया, स्वर्ग की संपत्ति मिली, संयोग की अनुकूलता मिली, लेकिन आत्मा के दर्शन नहीं मिले। हमारा देव हमसे रूठ गया है, देवादि देव प्रसन्न नहीं है। अब प्रसन्न कैसे करना उसको? कैसे प्रसन्न करोगे? क्या करना है? कुछ नहीं, आत्म भावना बना है। कैसी आत्म भावना होती है? मुझे, मेरी जिंदगी का लक्ष्य आत्म शांति है। आत्म शांति अगर मिलती है, सारी दुनिया को मैं छोड़ने को तैयार हूँ, इज्जत आबरू संसार की अनुकूलता सारी मैं बलि चढ़ाता हूँ, इसके चरणों में मैं कुर्बान कर देता हूँ, नहीं चाहिए बस।
ये बात होने, आत्मा को देह रूप रख करके दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्र कितनी देर पढ़ोगे? 24 घंटा पढ़ोगे? मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प कितना देर करोगे? 1 दिन 2 दिन 4 दिन कितना दिन कितना करोगे? यहाँ क्या कहते हैं कि आत्म शांति को देह रूप रख करके दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। रात को भी सो जाना ऐसा नहीं लिखा है, रात को भी प्रयत्न चालू रहना चाहिए। अब कैसे होगा, दिन में तो हम जागे हुए रहते हैं तो हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत उपयोग लगाना पड़ता है, क्योंकि सेकंड सेकंड में भूल जाते हैं कि हमारा देह आत्म शांति का है। ऑफिस कुछ बनाव बनते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की पंचायती हो जाती है। आत्म शांति का देह हमने बनाया है, हम बार बार भूल जाते हैं, दिन में भी भूल जाते हैं तो रात में कैसे रखेंगे याद? रात में तो हम बेहोश नींद में हो जाते हैं। और आत्म शांति चाहिए तो प्रयत्न कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? दिन रात, दूसरा शब्द है सतत। सतत माने क्या, निरंतर, कि दिन रात करो लेकिन बीच बीच में ब्रेक ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। कंटिन्यूस सतत प्रयत्न करना चाहिए। वो कैसे होगा, ये एक समझने की बात। दिन रात प्रयत्न कैसे होगा? चलो आत्म शांति का देह बना लिया, लेकिन प्रयत्न दिन रात होना चाहिए। सत्संग करने जाओगे तो 1-2 घंटा, दिन में 3 बार करो। अगर यात्रा पे एकांत में गए तो दिन में 6 बार करोगे, और कितना करोगे? सतत तो वो भी नहीं होगा ना। भक्ति करो, कितना करोगे? तो ये सब साधन नहीं है, इससे दिन रात नहीं होगा, कंटिन्यूस चलना नहीं होगा। अब क्या करें, हमको तो कंटिन्यूस प्रयत्न करना है। रात को भी सो जाना नहीं, सो जाना नहीं है मतलब क्या, कि नींद तो आएगी ही आएगी, लेकिन हमारा काम चलते रहना है। अब कैसे करोगे? इसमें तो ज्ञान के अलावा कोई साधन भूत नहीं है, क्योंकि ज्ञान निरंतर काम करता है, दिन में रात में। कौन सा काम करता है? जानना 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 जानना। उसके साथ हम जुड़ गए तो हमारा काम दिन रात चलेगा क्या? पूजा करोगे तो दिन रात नहीं चलेगी पूजा, दर्शन करना है तो भगवान के तो दिन रात नहीं होंगे। सत्संग भक्ति ये सब दिन रात नहीं होगा, स्वाध्याय शास्त्र पठन पाठन श्रवण दिन रात नहीं होगा। जानना 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 दिन रात हो रहा है, आप सो जाओगे तो भी चालू है। तो ये ज्ञान के साथ अपना अपने को कांटेक्ट में रख लो, जैसे कोई गाड़ी जा रही है, समझो ट्रेन जा रही है, तो उसमें बैठ गए तो क्या हुआ, हम भी अपने आप पहुंच जाएंगे। तो मेहनत नहीं लगती है, 500 किलोमीटर चलना है तो मेहनत लगेगी, ट्रेन जा रही है उसमें बैठ जाओ तो मेहनत नहीं लगती, आराम से पहुंच जाता हूँ। ऐसे ज्ञान की रेलगाड़ी है, कहाँ जा रही है, सिद्धपुरी जाती है, सिद्धालय में भिजा देगी अपने आप क्या? वो रुकने वाली गाड़ी नहीं है, आप रुक जाओ लेकिन वो नहीं रुकेगी। शक्ति ऐसी है, ज्ञान की शक्ति ऐसी है, स्व पर प्रकाशक, स्वयं को प्रकाशित करते रहती है। उस गाड़ी में बैठ जाओ तो आपका प्रयत्न रात दिन चलते रहेगा। तो 373 आया है ना, अपमान लिए थे 373 है इसके अंदर। क्या करना, रात दिन प्रयत्न कैसे करना, सब ताले खुल जाएंगे। कैसे खुलेंगे? देखो सभी तालों की एक ही कुंजी है, कौन सी? गायक का अभ्यास करना, जानना 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 जानना, सुख आए दुख आए जानना, परिस्थिति अनुकूल होवे प्रतिकूल होवे जानना। जानने के अलावा ऐसा करना है वैसा करना है, बस सब तालों की एक ही कुंजी है, गायक का अभ्यास करना, इससे सारे ताले खुल जाएंगे। जिसको संसार कारागृह से छूट जाना है, ये जेल में से छूट जाना है, परिभ्रमण की जेल में से मुक्तिपुरी में जाना है, सिद्धालय में अनंत शांति में रहना है,
उसको मोह राग और द्वेष के ताले खोलने के लिए मोह का दरवाजा बंद है, राग का, द्वेष का, ऐसे कई ताले हैं। वो सब ताले खोलने के लिए क्या करना, गायक नो अभ्यास करवा रूप एक चावी लगाड़ी। सब प्रॉब्लम बहुत है, चावी एक है, ताले बहुत है और मास्टर की एक की है, सब ताले खुल जाएंगे। और दिन रात सतत प्रयत्न रहेगा, किसी का सहारा लोगे तो दिन रात नहीं होगा, मन भी साथ नहीं देने वाला है। ऐसे मन भी चुप नहीं बैठता है, दिन रात चलता है, लेकिन वो आपको साथ देने वाला नहीं, वो थक जाता है और गायक परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें तो प्रयत्न करना पड़ता है तो विचार आएंगे। आप थोड़ा विचार थोड़ा जबकि लोगे तो मन दूसरा पलटी मार लेगा, थोड़ा अवलोकन छूटा देखो मन के साथ आगर दिना करता है। जब तक अवलोकन करता है तो एक भी भाव नहीं आते हैं, विचार नहीं आते हैं, टेढ़े मेढ़े शांति बनी रहती है। अवलोकन छूटा कि मारा, कल आगरा वाले का फोन था, उन्होंने वो यही कहते थे, अवलोकन करते हैं तो बिल्कुल जैसे शांत, बिल्कुल कुछ नहीं, अवलोकन छूटा कि घराव गड़बड़ चालू, धमाल चालू पूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ताकत है अवलोकन वाली, गड़बड़ से बचना है तो क्या करना, धमाल से बचना है तो क्या करना, एक 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 चाबी तो मिल गई ना। क्या चाबी मिली, ये तो अभी दो चार घंटे करे होंगे उसमें पता चल गया, जब अवलोकन करते हैं तो शांति, अवलोकन छूटा की गड़बड़। इसका मतलब क्या हुआ, हमको अभी कौन सा प्रयत्न करना है, बस जानने देखने में रहो, खत्म, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, सब कुछ होगा उठल पाथल, हमारे में नहीं होगा, क्योंकि हम जानने देखने वाले बन गए। पहले रोते थे चिल्लाते थे, अब क्या हो गए, जानने देखने वाले बन गए, हमको कुछ नहीं होने वाला। जानना देखना वो वितरागता का अभ्यास, करना धरना छोड़ना लाना ले जाना ये सब राग द्वेष का व्यापार है। हम चॉइस कर लो, वितराग के मार्ग पे जाना है, संसार सागर तीरना है, कि रागियों के मार्ग पे जाना है और डूबना है, रास्ते तो दो ही है, और निर्णय किसको करना है स्वयं, सदगुरु निर्णय नहीं करा सकते और रास्ता बता सकते हैं, एक रास्ता इधर जाता है एक रास्ता उधर जाता है, कौन से रास्ते पे जाना है आप स्वतंत्र हो, आपको जो रास्ता पसंद है वो ले लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। संसार कारागृति छूटू होए ने मुक्ति पूरी मां जावो होए तो मोह राग द्वेष ना ताड़ा तोड़वा माटे एक गायक नो अभ्यास करवा रूप एक चावी लगाड़ो, दस चावी नी जरूर नहीं, एक ही कुंजी छाप जानना जानना तो दिन रात चलेगा, बाकी दिन रात कोई चलने वाला नहीं है। दोष कितने सारे आ जाएंगे, एक एक को निपटाना नहीं, सारे दोष को जानने मात्र रहो तो अपना दिन रात प्रयत्न चलेगा, एक धारा एक शरीर का चलेगा। एक दोष को हटाने जाओगे तो दूसरे दस आ जाएंगे, घुस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम तो एक को निपटाने में पड़े हो, इतने में तो कितने सारे आ गए, अंदर घुस गए और मालूम भी नहीं चला, क्योंकि हम एक को निकालने गए, कितने को निकालोगे, अनंत दोष है परिणति के अंदर। और एक एक को निकालने जाओगे तो क्या होगा, तो जिंदगी चले अनंत अनंत समय जाएगा, फिर भी निकाल तो नहीं पाओगे, क्योंकि एक को निकालोगे दूसरे ऐसा उसको टाइम गया उधर, दूसरे घुस गए अंदर। असल में दोस्त को निकालना है वही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि उसने ये माना कि मैं निर्दोष नहीं हूं, अपने आत्म स्वभाव को गाली दी, क्या जो पूर्ण पवित्र है उसको कैसा माना, दोष वाला माना। तो दोष को देखना वही सबसे बड़ी गलती है, और निकालने का प्रयत्न इससे बड़ी गलती, दोषी हूं ऐसा मानना इससे भी ज्यादा गलती। भगवान तो निर्दोष है, स्वयं तो निर्दोष है, परिणति में है दोष, तो जानना अपना काम है, हटाना रोना धोना अपना काम है, वो अपराध हो जाएगा, नया अपराध हो जाएगा। दोष होता है वो चारित्र मोह का अपराध है, दोष को हटाना है वो दर्शन मोह का अपराध, हटाने जाओगे तुम खुद हट जाओगे, इसलिए वो 287 में लिया ना आपने जो बोलते थे, देखो कौन सा लिया है।
287, द्रव्य तो सदा निर्लेप है। निर्लेप माने क्या, जैसे जीव कई स्वाद आए लेकिन एक भी स्वाद है अभी जीभ में, कितनी देर रहता है? खट्टा खाओ एक सेकंड में साफ, मीठा खाओ एक सेकंड में साफ, खट्टा खाओ एक सेकंड में साफ, मीठा खाओ एक सेकंड में साफ, गले के नीचे उतरा के साफ, बिल्कुल कोरे की कोरी वापिस। इसका मतलब क्या है कि लेप लगता नहीं है। ऐसे स्वयं जो भगवान है अंदर में वो कैसा है, निर्लेप है, कभी निर्लेप है, उसको कोई लेप चिपकता नहीं है। परिणति में दोष है तो उसमें चिपकता नहीं, आत्मा दोषी नहीं हो जाता है। पर्याय में सबसे निर्लेप रहने जैसा है। द्रव्य तो निर्लेप है, अब गलती कहाँ हो रही है, एक समय की परिणति में, उसमें अगर वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे और चिपके नहीं किसी के साथ, जैसा द्रव्य निर्लेप ऐसा वो भी निर्लेप रहे, जानना देखना मात्र रहे, करने धरने मात्र न जावे, तो कार्य हो जाएगा उसका। कहीं भी खेदाऊ नहीं, खेदाऊ नहीं मतलब पश्चाताप नहीं करना, क्या पण खेदाऊ नहीं, क्या पण खेचाऊ नहीं, इसका अर्थ खेचाऊ नहीं मतलब क्या, क्या पण जाजो राग करो नहीं, क्या पण खेदाऊ नहीं मतलब अफसोस नहीं करना, और क्या पण खेचाऊ नहीं राजी नहीं हो जाना, नाराज भी नहीं होना राजी भी नहीं होना, इसका मतलब क्या हो गया, वितराग रूप में रहना, इसका मतलब जानने देखने मात्र रहना। जानने देखने मात्र रहोगे तो शांति मिलेगी, करने धरने जाओगे तो शांति हो जाएगी। ये बात इसे 287 में है, क्या है खेदा ऊपर नहीं, क्या है खेचा ऊपर नहीं। तो आत्मा को देह रूप रख करके दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए, अवलोकन सीधा नहीं होगा, पहले आत्म शांति का टारगेट बनाओ। सारी जगत की इतनी भी सुविधा है सबको कुर्बान क्या, अगर आत्म शांति मिलती है तो सबको छोड़ने को तैयार है, राजी खुशी के साथ, रोते रोते नहीं, अंदर में थोड़ा प्रेम पड़ा हो और फिर चलो एक ट्राई कर लेंगे, ऐसा नहीं, प्रेम ही निकाल देना है, सब कुर्बान कर देना है। एक आत्म शांति का ध्येय बनाओ और फिर अवलोकन का प्रयत्न करो, मतलब क्या, जानने देखने वाली गाड़ी में बैठ जाओ, आपको जरा भी मेहनत नहीं लगेगी, उल्टा आनंद मिलेगा, मुसाफरी का आनंद है ये भी। हम रोते रोते भगवान नहीं बनेंगे, क्या मोक्ष जाना है तो रोते रोते नहीं जाएंगे, हम हंसते हंसते जाएंगे। अपनी गाड़ी में बैठे हैं, मेहनत भी नहीं लग रही और मुसाफरी भी हो जाती है, ऊपर से कई सीन देखने को मिलते हैं, पहाड़ जंगल नदियां गाँव, जब देखते देखते चले जाओ, कहीं रुकना नहीं है, कहीं अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं, कोई गांव अच्छा नहीं है, कोई गांव बुरा नहीं, चले जाओ। ऐसा ये ज्ञान की गाड़ी में बैठना है तो दिन रात चलेगा, एक तो प्रयत्न दिन रात होगा, दूसरा मेहनत नहीं लगेगी, सहज भाव में मेरा हित कैसे होवे और मैं आत्मा को किस विधि से जानूं, बस दो ही सवाल होने चाहिए, तीसरा सवाल नहीं होना चाहिए। शरीर में रोग है तो कैसे मिटे, बुखार कैसे जावे, क्या संयोग की अनुकूलता कैसे होवे, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कैसे होवे, हमको नहीं करना है, इच्छा ही नहीं रही और कुछ, आत्मा को जानने के अलावा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं रही, मात्र मोक्ष अभिलाष, असायनी उपशांतता आगे आएगा, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मा निवास। आत्मा की सच्ची लगन लगी है कैसे मालूम पड़े, एक असहाय की उपशांतता होती है, छूटने के अलावा कोई तमन्ना नहीं रहती है, सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा है, वही आत्मा, आत्मा का अर्थ मुमुक्षुता वहां रहती है, ऐसे गुण है वहां, तो मेरा हित कैसे होवे, दूसरे का हित कैसे होवे, वो नहीं, छोटा बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अब उसका हित कैसे होवे, उसको मार ना लगे, वो अच्छा पढ़े, परीक्षा में पास हो जाए, तूफान नहीं करे, टीवी ना देखे, या घर गंदा ना हो, साफ सुथरा रहे, शरीर शुद्ध रहे, मंदिर शुद्ध रहे,
अड़ोस पड़ोस से अच्छा रहे, उनका हित अहित मेरे जिम्मेदारी नहीं है। मेरा हित कैसे हो गए, वो परिवार में दूसरे लोग रहते हैं उसका हित कैसे हो गए, तो सोचना कि नहीं सोचना, साथ में रहते हैं तो इतनी फर्ज है कि नहीं, फर्ज नहीं, नो फर्ज, तो सब छोड़ के भाग जाना वो नहीं कहते हैं। करना नहीं करने की बात नहीं है, लेकिन फर्ज तो नहीं है, क्योंकि जिसको आत्म शांति का ध्येय होता है उसको तो सिर्फ आत्मा कैसे सुखी रहे वही ख्याल रहता है। आत्मा सुखी रहे उस ख्याल में रहते तो उसका परिणाम भी बात अच्छा ही रहता है, अच्छा ही रहता है, क्योंकि आग्रह छूट जाते हैं। अच्छा होने का मतलब क्या है, जिसको अपना हित करना है उसको कोई आग्रह नहीं होता, द्वेष का राग का होता ही नहीं है, झगड़ने का सवाल भी नहीं। वो किसी का सामने वाला झगड़ा करेगा तो भी ये नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो अपनी सफाई भी पेश नहीं करनी, उसको तो अपना आत्महित करना है, समय को बेकार जाने देना नहीं है, सफाई देने में भी समय जाता है, ज्यादा बात करने में, वाद विवाद करने में भी समय जाता है, जैसा आप बोलोगे ऐसा। अरे झूठा हो आप तो भी हम क्यों बोले कि आप झूठे हो, इतना बोलने में भी टाइम जाता है, वो भी नहीं, नहीं वो गलती हो जाती, वो तो फिर रिवर्स हो गए, वो राग में नहीं रहे द्वेष में चले गए। अब करना है ना द्वेष करना है, न ग्रहण करना है न बाहर की वस्तु को त्याग करना है, कहाँ भागोगे, जाके भागोगे किधर, दुनिया में कहाँ जाओगे आप, कोई स्थान नहीं है अपने को, रहने का पांव रखने का कोई स्थान नहीं, इस संसार से तीर्थंकर का जीव भी डर के चले गए जंगल में, तीर्थंकर जैसे को भी जानना पड़ा है संसार के चक्कर में, वो भी अपने सब सुविधा को छोड़ के चले गए। लिखे हैं जिस संसार से तीर्थंकर डर जाते हैं छोड़ के चले आते हैं, तीर्थंकर फुट फुट देंगे आ गया और ये जो राजी खुशी रहना चाहिए इसमें भी आएगा। ज्ञानी को राग के प्रति मुख नहीं होता है, पीठ होती है, करना धरना के राग, करना नहीं करना ये राग, उसके प्रति ज्ञानी का मुंह नहीं होता है, ज्ञानी का मुंह नहीं होता है, पीठ होती है ज्ञानी, और उसमें हर हर एक में मिलेगा ये चीज, क्योंकि वितराग की वाणी है तो हर जगह वही निकलेगी, जहाँ करने धरने की बात निकलती है या कोई दूसरा कर देगा ऐसा लगती है, वो सामने वितराग की वाणी नहीं है, बाकी जहाँ वितराग की सच्ची वाणी होगी उसमें तो हर जगह लिखा रहेगा। कोई अपना कार्य करेगा नहीं, अपना कार्य अपने को ही करना है, और करने धरने से नहीं होगा, जानने देखने से ही होगा। की लास्ट लेके भी यहाँ पर आ रहे हैं, तेरे दोस्त से तुझे ही बंधन है, नहीं नहीं तारा दोन दोस्त थी, तारा निमित्त से जान दोस्त कर दो, हाँ भी जान दोस्त कर, तारा निमित्त से जान दोस्त कर, कोई बात नहीं है, क्योंकि अपना ही सोचेगा, झगड़े कहाँ होते हैं स्वार्थ के कारण, और स्वार्थ है वहाँ अपना हित नहीं, अपने को सुविधा चाहिए, अमुक प्रकार का हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, तो हमारा स्वार्थ हमारी इच्छा पूरी करने में है तो हम दूसरों को भी दुख देंगे, तो तसल होगी, वाद विवाद होंगे, आग्रह रहेगा, हमको कोई स्वार्थ ही नहीं, दुनिया एक बाजू हम एक बाजू, हम सिर्फ अपना ही देखते हैं, तो लाइन खत्म हो गई, फिर झगड़ा पंचायत करने का नहीं रहता, तो मारू हित केम था, दूसरे का परिवार वाले का हित कैसे होवे, पैसा कैसे बढ़े, इज्जत कैसे बढ़े, मेरा हित कैसे हो, और मैं आत्मा को किस विधि से जानू, ऐसी लगनी लगा कर बढ़ा कर प्रयत्न करे तो जरूर मार्ग हाथ में आ जाए। ये रास्ता नहीं मिलता है, अनंत काल से नहीं मिला है, इसलिए अब भी नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचना, रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन तरीका ये है, तो देख लेना हम इस तरीके पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, आत्म लगनी है तो मार्ग मिलेगा, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, संसार का प्रेम है और आत्मा चाहिए शांति चाहिए नहीं मिलेगा, किसी को मिला नहीं, तीर्थंकरों को भी नहीं मिला है, बड़े बड़े इंद्र नरेंद्र को भी नहीं मिला है, जिसको संसार चाहिए उसको हाथ में क्या आया है, आखिर अशांति आई, जिसको शांति चाहिए उसको ही शांति मिली है, तो उसने जगत के पीछे नहीं भागे हैं, फिर वो किधर भागे हैं, अपने अपने के पीछे भागे हैं, जो बाहर की दृष्टि हट गई और अंतर्मुख हो गए, अपने आराधना की शांति मिल गई, बाहर से कुछ आया तो बाहर की आराधना की, तो कितनी मेहनत कर लिया
लेकिन हाथ में क्या आया आखिर, सोच लें तो जरूर हमको प्राप्ति हो सकती है, लेकिन तरीका तो ये है, लगनी 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 चाहिए, दिन रात पीछे पड़ना चाहिए, दिन रात पुरुषार्थ करना चाहिए, और दो ही सवाल माइंड में होना, तीसरा सवाल नहीं करना क्या झगड़े कैसे मिटे, हजारों प्रपंच है हर एक के, वो प्रश्न एक भी नहीं होना चाहिए, एक ही प्रश्न करना, मेरा हित कैसे होवे, मैं आत्मा को कैसे जानूं, बस ये दो प्रश्न होंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, ये 500 पांच नंबर पे वो नहीं लेना है, जैसे ठीक पांच नंबर ले लेंगे, अलग आया तो सब अलग अलग बोल रहे ना, तो अलग अलग ही है, ठीक है पांच नंबर का बोल, दो नंबर का पूरा हुआ, पांच ओ असरण संसार मा जन्मनी साथे मरण जोड़ायेलू छे, इस दुनिया में असरण आत्मा को कोई शरण नहीं है, इधर तो वहां तो जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ा हुआ है, जन्म होते ही एक एक पल जाती है तो कहां जाता है, बर्थडे मनाते हैं कि डेथ डे मनाते हैं, क्योंकि इतना कम हुआ जो आई से 100 साल का समझो है तो एक बर्थडे दो बर्थडे तो कम होता है, जिंदगी क्या होती है कम होती है, जन्म हुआ तो उसका मरण चालू हो गया, कम होना चालू हो जाए, ओ इस असरण संसार में जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है, आत्मा की सिद्धि न होवे मतलब आत्मा शांति न मिले, उसका सच्चा रास्ता अनुभूति में न आवे, तब तक जन्म मरण का चक्र चलते ही रहने वाला है, आप बच नहीं सकते, चाहे तीर्थंकर का जीव क्यों न हो, जब तक परिपूर्ण वितरागता नहीं है तब तक चक्र चलता रहेगा। ज्ञानी को भी अंश भी राग है, अल्प मात्र भी राग है, उसको जन्म धारण करना पड़ेगा, क्यों राग है तो कर्म का बंधन है, और बंधन है तो उसका उदय आने वाला है, तो कर्जा चुकाए बिना तो मोक्ष जाने वाला नहीं, और भले तीर्थंकर का जीव हो तो भी वहां पर कुदरत के सामने किसी की लांच रिश्वत चलती नहीं, कि नहीं हमने तीर्थंकर गोत्र बांधा अब तो हमको जल्दी छोड़ दो तो तुमको ज्यादा फंसना पड़ेगा, क्या तीर्थंकर गोत्र तो सभी जगत का कल्याण हो जाओ ऐसी भावना बने से तीर्थंकर गोत्र बनता है, वो तो अच्छी भावना थी ना, क्या सारे दुनिया के लोगों को आत्म शांति हो जाओ, सबको अपने आत्मा के दर्शन हो जाओ, सब मोक्ष में जाओ, ऐसी भावना जिसको होती है वो जीव को तीर्थंकर गोत्र बनता है, अब वो भावना बुरी है कि सही है, डर लगता है क्या होता है, इसीलिए अधिकांश तीर्थंकर कभी कभी एकाध दो होते हैं, देखना आप अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं तब तीर्थंकर एकाध मान मान होता है, क्यों वो भावना में खतरा है, अगर वो बांधा तो आपको जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी, सबको तारते तारते सबको गाड़ी में बिठाते बिठाते जाना पड़ेगा, क्या ऐसा नहीं होगा, पुण्य इतने सारे बंद गए हैं कि जो नहीं चाहिए तो भी समोसरण हो जाएगा, आपको कोई इच्छा नहीं है, पहले की बात की बात है, जिसको उपदेश देते हैं वो पहले पहुंच जाता है, शिष्य जो है जल्दी पहुंच जाता है भगवान बन जाता है, और ये अभी तो सबको बिठाने में लगे हैं, आ जाओ गाड़ी में आ जाओ, तो जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वो भी भाव कैसा है, वितराग भाव नहीं है वो, बंद भाव है, ज्ञान दशा के बाद इतना भी भाव रहेगा तब तक कर्म बनते रहेंगे, और तब तक उसका उदय आएगा तो उसके लिए भाव भी करना पड़ेगा, छूट नहीं सकते आप, पांच पांडव में दोनों ने विचार किया, सदैव नकुल ने धर्मात्मा को क्या था कैसा होता होगा, उत्तर गया युधिष्ठिर भीम अर्जुन को कोई विचार नहीं आया कि दो छोटे भाई को कैसा होता होगा या धर्मात्मा को कैसा होता होगा, तो चले गए मोक्ष में सीधा, क्या इनको इतना ही विचार है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं, जो होना सो होगा, लेकिन उनको क्या कैसा होता होगा,
खास करे मुक्ति नहीं मिली, क्या मिला? 33 सागर पम की सर्वार सिद्धि की जेल मिली, सब अनुकूलता मिली पंच इंद्रिय विषयों की, स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में भी छोटे मोटे देव नहीं, माम उच्च प्रकार के देव बन गए, और छोटी मोटी आयु से नहीं, ऐसे एक सागर दो सागर की भी आयु से है देवगति में भी। टॉप मोस्ट जो आयु से होती है ना देवगति की, 33 सागर पम की, वो उनको मिली। यहाँ सातवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान में थे, वहां चौथे गुणस्थान में आ गए, वापिस गिर गए। इतना मोक्ष दूर हो गया, फिर वापिस जन्म लेना, फिर वापिस 8 साल के बाद मुनि बनना, आराधना इसी प्रकार से वापिस दोबारा करना, तब जाना। मतलब जब तक पूर्ण वितराग नहीं होते तब तक आत्मा की सिद्धि सत्य नहीं है, और अब जन्म मरण का चक्कर रुकता नहीं, चालू रहता है। कि नहीं ज्ञानी है तो उसको जन्म मरण नहीं करना पड़ता है, वो तो जब चाहे तब मोक्ष में चले जाता है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसको भी जब तक राग रहता है अंश मात्र भी, तब तक उसको भी जन्म मरण होते हैं। आत्मा ने सिद्धि न सदाए, संपूर्ण वितरागता न प्राप्त हो गए, कहीं अंश मात्र भी राग या द्वेष रह गए, तब तक जन्म मरण का चक्र चलते ही रहने वाला है। और इस आसरण संसार में जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्य होता है, जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा, बस चक्कर चालू। आवा असरण संसार मा, ऐसे इस दुनिया के अंदर इस संसार में कौन शरण है? देव गुरु धर्म यही शरण है। हे धर्म हमारा चिर रक्षक, हे धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे। अगर देव गुरु धर्म को छोड़ा, वितराग धर्म को छोड़ा, तो आपका पाला किसके साथ पड़ेगा? रागी पुरुषों के साथ, रागी आत्माओं के साथ। और रागी आत्माओं की क्या हाल होने वाले हैं? उन्होंने करना धरना चालू रखा है और जानना देखना चालू नहीं किया है, वितराग नहीं हुआ। उनके साथ रहोगे तो क्या होगा? जीव को अपना स्वरूप का निश्चय नहीं होने में 3 बड़ी गलती बताई 449 में। नई गलती, पुरानी गलती तो वो है मल विक्षेप और अज्ञान, नई गलती कौन सी करता है? लोक संगना, वोक संगना, और तीसरा असर। रागियों के साथ दोस्ती, जिसको संसार में सुविधा पसंद है, अनुकूलता, इज्जत, आबरू, पैसा, संयोग, ये सब पसंद है, ऐसे लोगों की दोस्ती, उनके साथ उठना बैठना, ये असत्संग है, वो नई गलती है। उनके साथ बैठोगे तो उनके जैसे हो जाओगे, उनको जैसी भावना होती है आपके हो जाएगी। और वितरागियों के साथ बैठोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो आपको आत्मज्ञान करने की, आत्मस्थिरता बढ़ाने की, वितरागता को पाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। काम तो आपको ही करना है, निमित्तों का दोष नहीं है, लेकिन निमित्त की असर इस कमजोर जीव पे पड़ती है। ये जीव अभी कमजोर है ना, बीमार आदमी है तो जो आया सो खा लेगा तो इन्फेक्शन लग जाएगा, तो हम बीमार आदमी है, रागी द्वेषी आदमी है। निमित्त कुछ कराता नहीं है, लेकिन हम कमजोर होने के कारण गलत शंका हमारे पर असर हो जाती है और सही शंका हमारे पर असर होती है। असत्संग रहेगा तो हम गलत आदत डाल करके डूब जाएंगे, और सच्चा देवगुरु धर्म का संग रहेगा तो हमारे को सच्चे संस्कार होकर के, आत्मभावना जागृत होकर के, हमारा आत्मा का पुरुषार्थ होकर के हम तिर जाएंगे। इसलिए इस संसार में जन्म मरण तो चालू ही है, लेकिन कौन बचाएगा? शांति का रास्ता कौन बताएगा? सही रास्ते पे कौन लेके जाएगा? हम भटकते रहे अनंत काल से, उसमें से रोकेगा कौन? हमारा कौन हमारी आत्मा की फिक्र करेगा? कुटुंबीजन भी नहीं करते आत्मा की फिक्र, अपने लड़के लड़कियां माँ बाप भी अपने आत्मा की फिक्र नहीं करते हैं, उनको अपने संयोगों का, शरीर का ध्यान है। शरीर बीमार पड़ेगा तो फौरन बोलेंगे दवा लेके आओ, जल्दी आओ, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन आत्मा राग द्वेष करता है तो किसने कहा कि भैया तुम क्यों राग द्वेष करते हो?
तुम ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहते हो। नहीं, कोई नहीं कहेगा। सबको आपके शरीर की पड़ी है, उनके साथ रिश्ता है, आपके आत्मा के साथ किसी का रिश्ता नहीं। फौरन उनके उनकी नजर ही बाहर पे है। धंधा नहीं करने नहीं जाओगे, दो घंटा लेट जाओगे तो मैं क्या बात है, आज धंधे करने नहीं आते हो, दुकान नहीं आते हो, दुकान सब लोग खोल दिए, ग्राहक वापिस चले आते होंगे, जाओ जल्दी भागो। वो उसका ध्यान रखेंगे, नजर कहाँ है, पैसा कमाने में, संयोग बढ़ाने में। तो कोई आपके आत्मा की फिक्र करने वाला नहीं है, सिवाय देव गुरु धर्म। उनकी संगति करोगे तो वो आपको शरण में, उनके शरण में रहोगे तो आपकी मोक्ष गति मिलेगी, आपके आत्मा के संस्कार जागृत हो जाएंगे। तो ऐसे अशरण संसार में देव गुरु धर्म का ही शरण है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, अब वो देव गुरु के पास गए तो देव गुरु किसको बताते हैं? जैसे गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के सच्चे शरण में लेके गए हम अपने आत्मा को, कुसंगति छोड़ दी, असत्संग छोड़ दिया, सच्चा सत्संग किया, आत्मज्ञानी पुरुष के साथ हमने सत्संग किया, तो फिर वो क्या बताएंगे? वो ऐसा बताएंगे कि देव गुरु के शास्त्र के शरण में रहो? वो ऐसा नहीं बताएंगे। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने क्या बताया? पूज्य गुरुदेव ने बताए हुए चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके। सदगुरु के पास जाएंगे, सदगुरु ऐसा नहीं बोलेंगे ऐसा ही रहो शरण में ही, चरणों में ही रहो। नहीं, सदगुरु किसी को शिष्य के रूप में देखते ही नहीं है, सबको भगवान देखते हैं। क्या तो ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा हुआ तुमने, बहुत अच्छा किया, कुसंग छोड़ा और हमारे शरण में आए, हमारे चरणों में, अभी यहीं रहना, चरणों में पड़े रहना, तो सच्चे गुरु नहीं है। सदगुरु तो ये बताएंगे, गुरुदेव ने बताए हुए चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके उनके दृढ़ संस्कार आत्मा में पड़ जाए और जानना 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 ऐसा जिंदगी बन जाए, वो संस्कार है। अब तक संस्कार उल्टे हैं, करना धरना, लाना ले जाना, ग्रहण करना त्याग करना, वो संस्कार है अब तक, राग के द्वेष के, करने नहीं करने के। इसके बदले चैतन्य के शरण में जा करके, चैतन्य को लक्ष्यगत करके, मतलब आत्म शांति का लक्ष्य बना करके और ज्ञान की गाड़ी में बैठ करके, मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव को अपना करके, करने धरने को छोड़ करके, ऐसे दृढ़ संस्कार, अनादि के उल्टे संस्कार, कर्ता बुद्धि वाले नहीं, अब ज्ञाता बुद्धि के संस्कार, वो भी कैसे दृढ़, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु आवे लेकिन वो छूटे नहीं संस्कार, उसको बोलते हैं संस्कार। ऐसे दृढ़ संस्कार आत्मा में पड़ जाए कि मौत में भी कुछ करना धरना, मृत्यु आए तो भी करना धरना नहीं रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव ही रहे, इतनी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए, यही जीवन में करने जैसा है, ऐसा ही करने जैसा है, ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहने जैसा है। तो ये पांच नंबर का बोलूं यहाँ हुआ कि क्या करना, दो नंबर में लगनी बढ़ाना, दो ही सवाल, मेरा हित कैसे होवे और मैं आत्मा को कैसे जानूं, और पांच नंबर में देव गुरु का शरण, और देव गुरु ने बताया ऐसा चैतन्य आत्मा का शरण और उसके संस्कार, बस यही जीवन में करने जैसा है, तो ही मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति मिलने वाली नहीं। यहाँ पर विवाद को लेना संसार आचरण, यहाँ पर जाए जितने वो तो आ गई संभव, हर एक बोल के अंदर आप में से वही निकालना है, यानी चारे अनुयोग अनु तात्पर्य सोच है वितराग। अभी आप शास्त्र पढ़ते हो और वितरागता के अंश नहीं निकालते हो तो आप पढ़ने में गलती करते हो, लिखने वाले का एंगल वितरागता बढ़े ऐसा था और आप दूसरा एंगल निकालते हो, दूसरा अर्थ निकालते हो, निकाल सकते हो लेकिन वो अर्थ है नहीं, लिखने वाले के माइंड में वो चीज नहीं थी। लिखने वाला जो ज्ञानी पुरुष है वो चाहता था कि आप वितराग हो जाओ और वितराग मार्ग में शरण में आओ, इसलिए बोल लिखे गए। आप उसका उल्टा अर्थ निकालोगे तो आपकी गड़बड़ है, तो आपके संस्कार गलत है, उसका अर्थ है, आपने अपने अभिप्राय से अपनी मनमानी करके अपनी बुद्धि का आधार लेकर के अर्थ निकाले हैं, ज्ञानी के अभिप्राय को लेकर के आपने अर्थ नहीं निकाले। हर एक बोल में वही बात निकलेगी,
चाहे कौन सा ही बोल ले लो आप, वितरकता के अलावा दूसरी कोई बात नहीं निकलेगी, कोई भी पन्ना ले लो अभिप्राय, निर्मलता आ जाती है अगर चैतन्य की लगनी लगेगी, आत्मशांति की भावना होगी, आत्मशांति की भावना वाले को अभिप्राय सही हो जाता है, समझ पाता है वो। क्या आपका दूसरा कोई लक्ष्य है, संयोगों का लक्ष्य है, और फिर आप बात सुनते हो तो आप समझ नहीं पाओगे, ज्ञानी की बात अभिप्राय नहीं समझ पाओगे। तो कृपा ने लिखा था आज तक जीव जगत के अभिप्राय से चला है, क्या कभी भी ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार जीवन नहीं बिताया है। जब ज्ञानी के अभिप्राय से अपना जीवन गढ़ेगा, वो ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो जीव तिर जाएगा, वो खुद ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा लिखा है, वो है उसमें बड़े अक्षरों में लिखा है, कृपा के ग्रंथ में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है वो चीज। जगत ना अभिप्राय थी चाल्यो छे, पण ज्ञानी ना अभिप्राय थी चाल्यो, एक वार पण जो ज्ञानी ना अभिप्राय थी चाले तो ज्ञानी थया वगर न रहे। हर कोई भी ग्रंथ लोगे ना, सोगाणी जी का लो, गुरुदेव का लो, माता जी का लो, कृपा बात एक ही निकलेगी। रत्नाकरण श्रावकाचार लोगे उसमें करने धरने की बहुत बात आती है, उसमें भी बात वही निकलेगी, क्योंकि दिन रात प्रयत्न होगा नहीं, ऐसे कैसे करोगे आप, दिन रात प्रयत्न कैसे करोगे, और करने जाओगे तो टेंशन बढ़ जाएगा, करना धरना तो है नहीं, ज्ञान की गाड़ी में बैठ जाओगे तो दिन रात चलेगा, क्या मेहनत भी नहीं लगेगी, बैठे बैठे आराम से जाओ, ये बात है। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि, प्रशांति अनंत सुधामय जे।